बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड सेफ। मे अल्लाह कीप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम अपना टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की ग्रामर का ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो चुकी हैं, जस्ट टेंसेस रह गए हैं। तो इंशाल्लाह स्कूल्स ओपन हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को लाइव टेंसेस करवाऊँगी, अगर ना हो सके तो इंशाल्लाह बाद में करवा दूँगी। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, रेन इन समर। ये पोइम है आप लोगों के चैप्टर की। आई नो आप लोग पोइम्स नहीं करते, लेकिन आप लोगों के कंसेप्ट्स के लिए इसकी मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन करवाऊंगी, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हमने करनी है, वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। रेन इन समर मतलब मौसम, समर यू नो रेड गर्मियों का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में बारिश। हाउ ब्यूटिफुल इज़ द रेन, हाउ कैसी ब्यूटीफुल खूबसूरत इज़ है द रेन, बारिश, बारिश किस कदर खूबसूरत है। आफ्टर द डस्ट धूल के बाद, एंड हीट गर्मी के बाद। इन द ब्रॉड चोटी में, एंड और फेरी आग बरसाती स्ट्रीट गलियों में। इन द नैरो तंग लेन गली में, तंग गली कूचे या तंग गली में। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कितनी खूबसूरत है बारिश, बारिश कितनी खूबसूरत होती है। हाउ कैसे इट ये क्लैटर खट खट करती है, अलॉन्ग द रूफ छत पर, छत पर किस तरह ये खट खट करती है। लाइक द ट्रैम्प आवारा गर्दी, आवारा जैसे के आवारा गर्द ऑफ द होप्स सम की तरह, या घोड़े की तरह कैसे ये चाप करती है, आवारा गर्द करती है। हाउ कैसे इट ये गशिस फूट निकलता है, एंड और स्ट्रगल्स आउट और उछल कर बाहर आता है। ये किस तरह फूड निकलती है और उछल कर बाहर आ जाती है। फ्रॉम द थ्रॉट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पॉट बहते हुए नदी, सॉरी नाले के गले में, थ्रॉट गले में। क्रॉस द विंडो पेन खिड़की के शीशे के आर पार या पार। नेक्स्ट पैसेज है, इट ये पॉर्स ये उमड़ती है, एंड और पोर्स ये गिरती है और उमड़ती है, मतलब गिर के ऊपर को आना या नीचे वहीं पे रुक जाना। एंड और स्विफ्ट और तेज़, एंड वाइड वसी और तेज़ और वसी इलाके में कह दें। विद आ मडी गारे वाली टाइट लहर में, गारे वाली लहर के साथ। लाइक का रिवर डाउन द गटर रोर्स ज़ेरे ज़मीन जो दरिया की मानद ये शोर करती है, मतलब गटर्स के अंदर जब पानी गिरता है तब भी ये शोर करती है। द रेन बारिश, वी वेलकम रेन हम बारिश का इस्तकबाल करते हैं, या हाँ जी इस्तकबाल करते हैं। यहाँ तक आप इसकी ट्रांसलेशन जो है वो ख़त्म होती है। ये जस्ट कंसेप्ट्स के लिए मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज करनी है जिसमें ये साइनोनियम्स आ जाते हैं, ये आपने करने हैं, और क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर मैं अभी आपको लर्न करवा देती हूँ। व्हेन कब डज द रेन लुक ब्यूटीफुल, बारिश कब खूबसूरत नज़र आती है। द रेन लुक ब्यूटीफुल व्हेन इट फॉल आफ्टर द डस्ट एंड इंटेंस हीट, जब धूल और शदीद गर्मी के बाद बारिश होती है तब ये खूबसूरत नज़र आती है। हाउ कैसे डज द पोएट कंपेयर करता है द साउंड आवाज़ को ऑफ द रेन, बारिश के ड्रॉपिंग ऑन द रूफ, जब बारिश छतों पर बारिश गिरती है तो उसको किसके साथ ये कंपेयर करता है, मुकाबिल करता है, उसका मुकाबला तकाबिल करता है। ही वो कंपेयर्स करता है द साउंड आवाज़ को ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़ को ड्रॉप ऑन द रूफ, जब वो जब वो गिरती है छतों पर से गिरती है। विथ क्लैटर ऑफ ट्रैम्प ऑफ रूफ, तो वो घोड़े के सीमों की खटखट के साथ उसको कंपेयर करता है। व्हाट क्या इज़ है द स्पॉट, स्पॉट क्या है, मतलब स्पॉट कहते हैं टूटी को वगैरह को, या नाले को कहते हैं, वो क्या है। वाई क्यों इज़ है इट ये कार्ड कहलाता ओवर फ्लोइंग, तो ये ओवर फ्लोइंग या छलकता हुआ इसे क्यों कहते हैं। इट ये इज़ अ पाइप फॉर द कैरिंग ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम आर रूफ, इट कशिज हॉट इन हैवी रेन, सो इट इज़ कॉल्ड ओवर फ्लोइंग। वेयर डज द रेन वाटर पोर, बारिश का पानी कहाँ गिरता है। द रेन वाटर पोर अक्रॉस द विंडो पेन, हाउ कैसे डज द रेन वाटर लुक लाइक इन द स्ट्रीट, गलियों में बारिश किस तरह